आईटी और ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के आगरा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 जूता व्यापारियों के यहां रेड मारी। इस दौरान उनके पास बेहिसाब संपत्ति मिली। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक 40 करोड़ की नकदी तीनों जूता व्यापारियों के पास से मिली है, बाकी कैश को गिना जा रहा है। ढेर सारी 500-500 की गड्डियों की गिनती के लिए बैंक के अफसरों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नोट इतने हैं कि पूरा कमरा 500-500 की गड्डियों से भर गया है। अभी तक 40 करोड़ रुपए की काउंटिंग की जा चुकी है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, बाकी की राशि को गिना जा रहा है। भारी मात्रा में मिले इतने नोटों को गिनते गिनते अधिकारी और कर्मचारियों के पसीने छूट गए हैं। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को टैक्स में हेराफेरी करने और आय से ज्यादा संपत्ति होने का संदेह था। खबर मिली थी कि जूता कारोबारी इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम दोपहर को उन तीनों के ठिकानों पर पहुंची और छापेमारी की कार्यवाही शुरू की गई। हालांकि अभी विभागीय अधिकारी इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। छापेमारी के दौरान आईटी ने कई अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। इनकम टैक्स की टीम फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच भी कर रही है। इससे पहले यूपी के कानपुर में आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। विभाग ने यहां बंशीधर तंबाकू कंपनी पर छापा मारा था। इस कंपनी ने कानपुर के अलावा मुंबई, दिल्ली, गुजरात में भी कारोबार फैला रखा था। इसी को लेकर सूचना के बाद करीब 20 जगहों पर रेड की गई थी। इस तंबाकू कंपनी ने कागजों में अपना टर्नओवर करीब 20 से 25 करोड़ दिखाया, लेकिन जब पड़ताल की गई तो पता चला कि कंपनी का कारोबार 100 से 150 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। 29 फरवरी 2024 को विभाग ने ये छापेमारी की थी। कंपनी के मालिक ने दिल्ली में भी घर बना रखा था। दिल्ली में जब आयकर अफसर पहुंचे तो वहां 60 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा की कारें मिली थी। इसमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी थी।